खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां लवकुश नगर के एक निजी कॉलेज की बाउंड्री वाल गिर गई, जिससे दो छात्रों की मौत हुई और पांच गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को लवकुश नगर अस्पताल के प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। छात्रों ने पुराने बस स्टैंड में हंगामा किया और जाम लगाने की कोशिश की। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद छात्र माने। छात्रों में आक्रोश रहा, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। परीक्षा के दौरान यह हादसा होना बताया जा रहा है। मेरी यूनिवर्सिटी के वीसी थापक जी से भी बात हुई, उन्होंने भी दो सीनियर प्रोफेसर अभी वहाँ से भेजे हैं यहाँ जांच के लिए कि कॉलेज का क्या है विधिवत परमिशन है या नहीं है, और जब दीवार किसने बनाई, कब बनी, ये पूरी जांच होगी। जांच के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और FIR तो अभी FIR हो चुकी है। अरे इसमें दोषी कौन है जो ये पिलर बिना पिलर कितनी लंबी दीवार बनी है? दोषी निश्चित रूप से दीवार बनाने वाले दोषी हैं, और यदि कॉलेज के पास दीवार है तो कॉलेज वाले भी दोषी हैं, उनको भी देखभाल करना चाहिए। यदि इस टाइप की चीज़ बनी हुई है यहाँ, तो जांच के बाद उपरांत ही क्लियर हो पाएगा कि किसने। और सर ये गाड़ियाँ इतनी डैमेज हुई हैं, 26 से 30 के लगभग है, और साइकिलें हैं कुछ, तो इनका चूँकि गाड़ियों के अपना बीमा होता है जी, तो अभी इंश्योरेंस के माध्यम से उनको इंश्योरेंस की कार्रवाई और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करवाएंगे। छात्रों की मौत हुई है, ये थोड़ी देर पहले लवकुश नगर से इन्फॉर्मेशन आई कि लवकुश नगर स्थित एक RK कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, जिसकी बाउंड्री वॉल गिर गई और जिसमें 6 बच्चों के ऊपर उसका इंजर्ड हुए थे, जिसमें लेटर ऑन 2 की डेथ हो गई है। एक हरिकरण पाल हैं और दूसरा उदय शर्मा जो गौरीहार क्षेत्र के थे, और 4 लोग घायल हैं जिनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, पुलिस फोर्स वहाँ है। घटना की वजह पता चली है अभी। प्राइमरी फेसी तो यही है कि जो उसकी बाउंड्री वॉल थी कॉलेज की, वो कोलैप्स हुई है, वो गिरी है। इसका रीजन क्या है अभी इसको फाइंड आउट करेंगे, बहुत इनिशियल फेस में है, और हमारा पहले फोकस ये कि जो बच्चा घायल है उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह हो जाए, और निश्चित इसमें आगे जाँच की जाएगी। FIR किसके ऊपर करना है अभी? तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 की डेथ हुई है, तो इनका PM वगैरह कराया जाएगा, फैमिली वगैरह आएंगे, मर्ग कायम करेंगे, और मर्ग में जो भी तथ्य आते हैं, साक्ष्य आते हैं, जो स्टेटमेंट वगैरह आएंगे, उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसका कॉलेज बताया जाए? ये लोकल हैं वहाँ के, नाम मैं मिस कर रहा हूँ अभी एकदम से, आशीष करके हैं सर, उनका कॉलेज है ये, RK कॉलेज बताया गया।